मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जी मेंस बी आर नाटा के लिए 21 डेज का स्केचिंग एंड ड्राइंग कोर्स बनाया है। इस 21 डेज के कोर्स में शेड शैडो, कंपोजिशन और मेमोरी ड्राइंग, इनके बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कवर किया है। इस कोर्स से आपको 100% एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं टी शर्ट के ऊपर डिज़ाइन लोगो कैसा बना दें। ये क्वेश्चन में दिया है कि यूजिंग ओनली 4 कलर्स, सिर्फ 4 ही कलर अपने को यूज़ करने हैं, और टी शर्ट के ऊपर सेव ट्री ये लोगो हमें बनाना है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सिंबॉलिक आनी चाहिए, क्योंकि लोगो भी है और उसमें कंपोजिशन भी दिखना चाहिए, कंपोज भी अच्छा होना चाहिए टी शर्ट के ऊपर। और कलर के लिए उन्होंने 4 कलर, एनी 4 कलर यूज़ करने के लिए बताया है, वो हम अभी कर रहे हैं। एक सैंपल के तौर पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। ये सिंबॉलिक मैंने लीव निकाल लिए, फिर पूरा पेड़ निकाल लिया, और जो ह्यूमन फिगर पेड़ के आजू बाजू में एक चेन करके खड़े है राउंड में, ये मैं निकाल रहा हूँ। ये सिंबॉलिक है, आप अलग तरीके से और इसको बना सकते हैं। जैसे कि एक हाथ में ट्री लिया है और नीचे के साइड लिख दिया सेव ट्री, दूसरा एक टाइप सिर्फ ट्री निकाला, पीछे कुछ बिल्डिंग्स, घर, रोड दूर जाते हुए दिखाए, और वहाँ पे कुछ पंछी पेड़ के ऊपर आ रहे हैं, और उसके नीचे के साइड पेड़ के नीचे सेव ट्री करके लिखा। ऐसे आप अलग अलग टाइप के बना सकते हैं, सोच सकते हैं। तो ये मैं एक सैंपल के तौर पे आपको बना के दिखा रहा हूँ कि कलर यूज़ कैसे करने हैं। कलर कंपोजिशन भी होनी चाहिए और ड्राइंग में भी कंपोज दिखना चाहिए। सभी कलर एक साइड हो गए तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। ये मैंने स्केच कर लिया है, अभी 4 कलर यूज़ कर रहा हूँ मैं। ग्रीन लिप्स के अंदर ग्रीन कलर और येलो कलर का यूज मैं करूँगा। कभी कभी क्वेश्चन में बेसिक कलर आते या कभी कौन से कलर यूज़ करने ये भी बताते, लेकिन ज़्यादा कर सिर्फ कितने कलर यूज़ करने यही मोस्टली आता है। आप जितना सोचोगे कंपोजिशन के बारे में और क्या ले सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये सब सोच के आप बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। जो भी आप कलर फिल करेंगे पेंसिल से वो बिल्कुल प्लेन आना चाहिए। इसके तरफ आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो,
अभी ये टी शर्ट के ऊपर कैसा आएगा? ये सिर्फ मैं लोगो बना रहा हूँ, टी शर्ट नहीं बनाया, ताकि आपको समझ में आए कि लोगो कैसा बनता है और कलर कंपोज कैसे होते हैं, कलर फिलिंग कैसा होता है, टोटल ड्राइंग कंपोजिशन कैसा बनाते हैं, ये दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कलर ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन भरने की कोशिश करो। अभी येलो कलर का यूज़ मैं कर रहा हूँ। येलो कलर होने के बाद फिर मैं ऑरेंज कलर यूज़ करूँगा, जो कि ट्री में आएगा। कंपोजिशन कोई भी सब्जेक्ट पे आ सकता है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी ऑरेंज कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। पहले जो मैंने पेड़ निकाला, एक साइड शैडो दिखा दी है पेंसिल से ही। अभी कलर करते समय प्लेन कलर कर रहा हूँ। ताकि वो अच्छा दिखे। एक कंपोजिशन आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं कि हम क्या बना सकते हैं, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी कंपोज अच्छा दिखे वही करना है। कम से कम 2-3 स्केचेस बना के देखने हैं और फिर उसको कलर करना है, फाइनल करके उसको कलर करना है। दोस्तों अभी सेव ट्री ये मैंने कलर किया, ये आप कोई भी कलर से ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैंपस के हिसाब से मैंने वहाँ पे देखा तो ऑरेंज और येलो कलर मुझे अच्छा लगा वहाँ पर। आप ग्रीन भी ले सकते हैं, या थर्ड कलर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ। जो फिगर्स मैंने सिंबॉलिक फिगर्स जो बनाए हैं पेड़ को, उन फिगर से मैंने राउंड कर लिया है, एक चेन बना ली ताकि पेड़ सेव रहे। इस टाइप का कंपोजिशन मैंने बनाया है। कोई भी न्यूज़पेपर या जो मासिक्स रहते उसमें काफ़ी आपको आइडियाज़ मिल सकती है, वो देखने चाहिए और अपना नॉलेज थोड़ा बढ़ाना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन भी वहाँ पे अपने को समझ में आते हैं, और ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से लोगो डिज़ाइन, कंपोजिशन, ये चीज़ ये पेपर आप अच्छे से दे सकेंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट्स में लिखना, और भी आपको कुछ चाहिए तो ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।